आयरलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। शुएब अख्तर टीम पाकिस्तान पर बरस पड़ी। बाबर आजम को कप्तानी से फार किया जाए। बाबर आजम अब कप्तानी के लायक नहीं रहे। नासरीन, आप जानते हैं पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान कल T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त हुई। आयरलैंड टीम ने पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के साबिक प्लेयर शुएब अख्तर टीम पाकिस्तान और कप्तान बाबर आजम पर बरस पड़े। शुएब अख्तर ने PCB से बड़ा मुतालबा कर दिया। शुएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम अब कप्तानी के लायक नहीं रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में बाबर आजम ने जिस तरह से कप्तानी की, वो भी इंतहाई घटिया तरीन थी, और इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में ऐसी शिकस्त, ये भी घटिया तरीन है। नासरीन, आपको बताते चलें, शुएब अख्तर ने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से कहा कि उनको कप्तान बनाया गया था तो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको कप्तानी से हटाकर दोबारा फिर बाबर आजम को कप्तानी सौंप दी गई, जिसका नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि टीम पाकिस्तान इतनी कम टीम से हार चुकी है। टीम पाकिस्तान को इतनी छोटी टीम से शिकस्त हुई है। नासरीन, शुएब अख्तर के इस बयान पर आप अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा।